ये फोर फंक्शंस हैं, ये मान लीजिए मेरा f1 फंक्शन है, ये मेरा f2 फंक्शन है, ये मान लीजिए मेरा f3 फंक्शन है, और ये मेरा f4 फंक्शंस है, और इनको मैं एसिम्प्टोटिकली कंपेयर कर रहा हूँ। n = 2 power m यहाँ पर मैं पुट करता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर n = 2 power m पुट करूंगा तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 2 power 2 power m, जहाँ पर कि पहले आपका 2 पावर m सॉल्व होगा, क्योंकि हमने n = 2 power m पुट किया है। यहाँ पर पुट करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 2 power m power 3/2। यहाँ पर पुट करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 2 पावर m, और ये लॉग लेने पर आपका m बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा n/m, यानी 2 power m into m। यहाँ पर अगर मैं पुट करूँगा तो मुझे मिलेगा 2 power m, और पावर में आपका लॉग में आ जाएगा, पावर में आपका लॉग 2 पावर m में आपका लेंगे तो ये m मिल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि लॉग 2 पावर m आपका m हो जाएगा, तो ये मुझे मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ये मेरा हो जाएगा 2 power m, ठीक है ना। अब इसको देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्सपोनेंशियल वाला रूल लगाऊंगा तो मैं लिख सकता हूँ m into 3/2, यानी ये मेरा हो जाएगा 3m/2, तो 2 power 3m/2, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 2 power m into m, और ये मेरा हो जाएगा 2 power m square या 2 power m into m। अब इजीली आप यहाँ पर इसको कंपेयर कर सकते हैं। देखिए ये एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल हो गया, ये एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल हो गया, तो सबसे ज्यादा लार्जर फंक्शन तो ये होगा, क्योंकि ये आपका एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल है। अब अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये पावर में m स्क्वायर है और ये पावर में m है, ये लीनियर है, वो आपका क्वाड्रेटिक है, तो ये फंक्शन लार्जर होगा एज कम्पेयर टू दिस। उसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें तो इन दोनों में ये वाला फंक्शन लार्जर होगा, क्योंकि ये पावर में m स्क्वायर हो रहा है, पावर में आपका m स्क्वायर हो रहा है ना, और यहाँ आप m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये फंक्शन डेफिनेटली लार्जर होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एसिम्प्टोटिकली लार्जर होगा इन दोनों फंक्शन से आपका ये वाला फंक्शन, तो ये आपका इसके बाद तो ये सबसे लार्जेस्ट होगा आपका ये वाला फंक्शन, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल, देन आपका ये 4 वाला फंक्शन आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 power m into m, क्योंकि पावर में आप m into m कर रहे हैं, m square वाला टर्म है, यहाँ पावर में आपका लीनियर टर्म है, ठीक है ना। अब इन दोनों फंक्शंस की बात करें तो ये 3/2m को मैं लिख सकता हूँ 1.5m, ये मेरा हो जाएगा 1.5m। तो मैंने यहाँ पर पावर में इंक्रीज किया है, m को पावर में इंक्रीज किया है, और यहाँ पर मेरा पावर में m है, तो डेफिनेटली ये फंक्शन लार्जर होगा, क्योंकि मैं पावर में इंक्रीज कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं m से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो अगर आप पावर में इंक्रीज कर रहे हैं तो फिर उसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ जो होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि आपकी पावर में वैल्यू तेजी से इंक्रीज होती है, ठीक है ना, आपकी पावर में वैल्यू फास्ट इंक्रीज होती है। तो आपके हमने यहाँ पर पावर में इंक्रीमेंट किया है, यहाँ पर पावर में 1 है, यहाँ पर पावर में 1.5 है, m की लार्ज वैल्यू लेंगे तो ये डोमिनेट कर जाएगा, ये डोमिनेट कर जाएगा, क्योंकि यहां पर इसकी पावर ज्यादा है। तब मैं ऐसा लिख सकता हूं कि आपका ये वाला फंक्शन आएगा 2 power 1.5m, देन आपका ये वाला फंक्शन आएगा 2 power m into m, क्योंकि यहां पर आपका पावर, आपका पावर में आपका m है, ठीक है ना। तो पावर में यहां पर मैंने इंक्रीज कर दिया है, तो डेफिनेटली ये फंक्शन आपका एसिम्प्टोटिकली लार्जर हो जाएगा इस वाले फंक्शन से। तो जैसे कि आपने देखा ये चारों फंक्शंस जो है ये इस ऑर्डर में आप इसको इंक्रीज कर, इस ऑर्डर में आप इसको अरेंज कर सकते हैं, तो एसिम्प्टोटिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये एसिम्प्टोटिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है ना। ये दोनों फंक्शंस एक दूसरे के थीटा नहीं होंगे, उसी तरीके से हमेशा बोल सकते हैं कि ये दोनों फंक्शंस एक दूसरे के थीटा नहीं होंगे, ये दोनों फंक्शंस एक दूसरे के थीटा नहीं होंगे, ये दोनों फंक्शंस एक दूसरे के थीटा नहीं होंगे, क्योंकि दोनों फंक्शंस एक कांस्टेंट से डिफर नहीं कर रहे हैं। आपने पावर में यहां पर चेंज किया है, यहां पावर आपका 1.5 टाइम हो गया है और यहां पावर आपका 1 टाइम है, तो पावर आपका 1.5 टाइम हो गया है, इसलिए आपका ये ग्रेटर होगा, एसिम्प्टोटिकली ग्रेटर होगा और एसिम्प्टोटिकली स्मॉलर होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो यहाँ पर ऑर्डर क्या आ जाएगा, ऑर्डर आपका आ जाएगा f1 < f4, f2 < f3, तो ये एसिम्प्टोटिक ऑर्डर, एसिम्प्टोटिक डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर एक बात और नोट कीजिए कि अगर मान लीजिए मैं दो फंक्शन लिखता 2 power n + 1 और 2 power n, ये देखिए ये दोनों फंक्शंस आपके एसिम्प्टोटिकली इक्वल होंगे, ये दोनों फंक्शंस एसिम्प्टोटिकली इक्वल होंगे, क्योंकि फिर ये कांस्टेंट से डिफर करेंगे। देखिए यहाँ पर पावर आपका 1 टाइम है, यहाँ पर भी पावर आपका 1 टाइम है, तो ये फिर दोनों फंक्शंस एसिम्प्टोटिकली इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 2 power n
इंटू टू, और ये टू क्या हो जाएगा, टू मेरा कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो इस कॉन्स्टेंट को मैं नेग्लेक्ट भी कर सकता हूँ। तो डोमिनेंट टर्म यहाँ पर टू पावर एन निकला, यहाँ पर भी डोमिनेंट टर्म टू पावर एन निकला, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि फिर ये दोनों फंक्शंस एसिम्प्टोटिकली इक्वल हो जाएंगे, टू पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू थीटा ऑफ टू पावर एन, एंड टू पावर एन इज इक्वल टू थीटा ऑफ टू पावर एन प्लस वन। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने पावर में अगर स्लाइट चेंज भी कर दिया तो फिर वो एसिम्प्टोटिकली इक्वल नहीं रहेंगे। जैसे कि अगर मैंने इसको 1.1n भी कर दिया और ये 2 पावर n भी है, तो फिर आपका ये एसिम्प्टोटिकली लार्जर हो जाएगा, फिर ये एसिम्प्टोटिकली इक्वल नहीं रहेंगे, क्योंकि पावर में अगर आप स्लाइट चेंज कर रहे हैं तो उस फंक्शन की वैल्यू में लार्ज चेंज आएगा। आप बेस में स्लाइट चेंज कर रहे हैं तो उस फंक्शन की वैल्यू में लार्ज चेंज आ जाएगा। तो अगर आप हमेशा बोल सकते हैं कि अगर आपने यहाँ पर 2.1 पावर n लिया है और यहाँ 2 पावर n लिया है, तो 2.1 पावर n इज एसिम्प्टोटिकली लार्जर देन 2 पावर n, क्योंकि बेस में आपने चेंज किया है, तो ये एसिम्प्टोटिकली इक्वल नहीं होंगे। आप ऐसा कोई भी कॉन्स्टेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं जिससे कि अगर आप 2 पावर n को मल्टीप्लाई करें और आपकी ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाए, ऐसा आप कोई भी कॉन्स्टेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पर बहुत बड़ा कॉन्स्टेंट लेंगे तो मैं एन की बहुत बड़ी वैल्यू ले लूंगा, जब मैं एन की बहुत बड़ी वैल्यू लूंगा तो डेफिनेटली वो इस इनइक्वालिटी को मेरा फेल कर जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा कोई कॉन्स्टेंट नहीं है जिससे मल्टीप्लाई करके मैं इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर पाऊं, ठीक है ना। क्योंकि मेरी कंडीशन क्या होती है, कंडीशन मेरी ये होती है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, तो जब मैं एन की वैल्यू इंक्रीज करता जाऊंगा तो डेफिनेटली ये इनइक्वालिटी मेरी फेल कर जाएगा, तो रिलेशनशिप जो होगा वो मेरा ये होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एसिम्प्टोटिकली इक्वल ये नहीं होंगे। 3 पावर एन प्लस 2 पावर एन प्लस एन और दूसरा फंक्शन होता मेरा 3 पावर एन, तब मैं ऐसा बोल सकता था कि ये दोनों फंक्शन एसिम्प्टोटिकली इक्वल होंगे। कैसे इक्वल होंगे, देखिए मैं कांस्टेंट फैक्टर कांस्टेंट को यूज करते हुए एक दूसरे से इनको मैं बाउंड कर सकता हूँ, ठीक है ना, मतलब कांस्टेंट टाइम में इसको बाउंड कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, देखिए ये तो आपको साफ साफ दिखाई दे ही रहा है कि 3 पावर एन प्लस 2 पावर एन प्लस एन ये लेस होगा, ये आपका ग्रेटर होगा 3 पावर n से, तो ये आपका ग्रेटर हो गया। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो मेरा 1 हो जाएगा, यानी 1 कांस्टेंट को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए मेरा ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। दूसरा मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर मैं इसको 3 पावर डोमिनेंट टर्म क्या है, डोमिनेंट टर्म है यहाँ पर 3 पावर n, क्योंकि ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 3 पावर n इज एसिम्प्टोटिकली लार्जर देन 2 पावर n, ये एसिम्प्टोटिकली इक्वल नहीं होंगे क्योंकि आपने बेस में चेंज कर दिया है। तो 3 पावर n इज एसिम्प्टोटिकली लार्जर देन 2 पावर n, 3 पावर n इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ 2 पावर n या 2 पावर n इज इक्वल टू बिग ऑफ 3 पावर n, लेकिन एक दूसरे के थीटा नहीं होंगे। तो मैं अगर 2 पावर n की जगह पर 3 पावर n पुट कर दूंगा तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू इससे लार्जर हो जाएगी। उसी तरीके से अगर n की जगह पर मैं 3 पावर n पुट कर दूंगा तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू इससे लार्जर हो जाएगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 3 into 3 power n। तो definitely मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 3 into 3 power n will always asymptotically larger than 3 power n plus 2 power n plus n। अब देखिए यहाँ पर 3 क्या है, 3 आपका एक constant है, तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि इस constant को vary करा करके मैं एक दूसरे से इसको bound कर पा रहा हूँ, यानी within a constant bound ये आपका है। तो इसलिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये दोनों functions एक दूसरे के asymptotically equal होंगे। This function is equal to theta of this function and this function is equal to theta of this function.